लॉकडाउन में दूसरे राज्यों के मजदूर परेशान होकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करने के लिए निकल पड़े हैं और कुछ भी करके अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए कितनी भी तकलीफ क्यों न उठाना पड़े। चार दिन पहले हैदराबाद से निकले ऐसे ही 23 मजदूर रायपुर पहुंचे। तपती गर्मी में जहां खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा है, वहीं ये सभी मजदूर हैदराबाद से पैदल चलते हुए रायपुर पहुंच गए हैं और पश्चिम बंगाल तक जाना चाह रहे हैं। मजदूर बताते हैं कि वो पैदल चलते रहते हैं और रास्ते में अगर कोई गाड़ी लिफ्ट दे देती है तो कुछ दूर तक का सफर आसान हो जाता है, फिर जहां तक गाड़ी छोड़ती है उसके बाद फिर से पैदल चलना पड़ता है। लॉकडाउन की वजह से सभी राज्यों के मजदूर हैं परेशान, जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 23 मजदूर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये सभी मजदूर पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए मजदूर भी एक मौजूद है, तो हम उनसे जानते हैं कब से निकले हैं आप लोग हैदराबाद से? शनिवार ने निकला। पैदल चलकर क्यों आए? पैदल से नहीं, हम लोग गाड़ी में भी आए हैं साथ में। पुलिस वाले ने हम लोग बैठाया गाड़ी में, खाना वाना खिला के। क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? हम लोग मांगते हैं ये अभी गाड़ी चाहिए। हम लोग जैसे वेस्ट बंगाल हम लोग पहुँचे थे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए, जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब इस प्रकार का प्रकरण मेरे संज्ञान में है तो उस बात को उठाऊं और इस आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाऊं। मेरी जानकारी के अनुसार करीब 2.5 से 3 घंटे से मजदूर यहां बैठे हुए हैं और ये जैसा बता रहे कि ये हैदराबाद से पैदल निकले हैं, रास्ते में कई गाड़ियों के माध्यम से आगे बढ़े हैं और ये पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं। और करीब 2.5 घंटे से मजदूर यहां बैठे हुए हैं और शासन के जितने टोल फ्री नंबर है कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए, जितने संवेदनशील तरीके से हम सबसे बातचीत कर सकते थे हमने सबको जानकारी दी है, लेकिन वर्तमान में 2 घंटे के अंतराल के बावजूद अब तक कोई शासकीय मदद यहाँ नहीं पहुँची है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि अभी गर्मी का मौसम है और भरी गर्मी में ये मजदूर जो है वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, इनके पास न तो किसी तरह की सुविधाएं जो है वो नजर नहीं आ रही है और अगर ये आगे भी अगर ये पैदल चलकर पश्चिम बंगाल अगर जाना चाहते हैं तो इनके लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी भारी गर्मी में जहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है, वही ये मजदूर है वो पैदल चलकर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। कैमरामैन रेशम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।